रोज वैली मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने इस मामले की पहली चार्जशीट मंगलवार को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में पेश की। ईडी सूत्रों के मुताबिक रोज वैली मामले में अदालत में पेश की गई चार्जशीट में 17,520 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र किया गया है। अदालत में पेश किए गए चार्जशीट में रोज वैली के नाम पर जब्त संपत्ति का भी उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनका क्या रोल है इसका भी जिक्र किया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच में अब तक उनके हाथ क्या क्या सबूत व गवाह लगे हैं सभी के बारे में जानकारी दी गई है। जरूरत पड़ी तो इस मामले में अदालत में अगली चार्जशीट भी पेश की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नारदा स्टिंग मामले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार को सॉल्ट लेक के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व अकाउंटेंट अनुपम दत्त व श्यामा सामंत ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी सूत्रों के मुताबिक इसके पहले मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूछताछ में कहा था कि नारदा स्टिंग कांड में मिले रुपए उन्होंने चुनाव में खर्च किए हैं, लिहाजा उस समय जो अकाउंटेंट उनका खर्च का हिसाब रखते थे उन्हें पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से बुलाया गया था। इसी बुलावे पर दोनों अकाउंटेंट मंगलवार को ईडी दफ्तर पहुंचे। वहां काफी समय तक उनसे पूछताछ की गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस दौरान दोनों से कुछ कागजात मांगे गए। जल्द उन कागजातों के मिलने के बाद इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी।